आज सोशल मीडिया ने मुझे एक अजीब सी बात, अभी एक इंडोनेशिया में एक आलिम थे हमारे है, उन्होंने एक शिकायत की, मैं हैरान रह गया, इंडोनेशिया ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारी बच्ची बीमार हुई, ठीक है, इलाज के लिए डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने देखा, दवा दिया, ठीक हो गए, और उस बीमारी के बाद वो लड़की हमारी आमतौर से कमरे में बंद रहती, बस खाने के लिए निकली, जरूरत के लिए फिर वो कमरे में चली गई। तो हमने कई बार पूछा, बेटा क्या बात है, क्या बात है, लेकिन कुछ सही जवाब नहीं दे। और अचानक यह पता चला कि हमारी बेटी हमारे हाथ से निकल गई, बात क्या हुई, कल तक जो बेटी 100% बाप की होती हो, परमा बरदार हो, नेक हो, क्या हो गया, एक कमरे में चंद दिन बैठी और हमारे यहां पे क्या, हमें बाद में पता चला कि वो कमरे में तना नहीं बैठी, वो एक दुनिया के आत्म मैदान में बैठ गई जाके, और हर तरफ मैदान में दुकान लगी हुई है, हर एक उसको अपनी तरफ बुला रहा है, और वो बैठी बैठी वहीं से सबको देख रही है। आपको पता है उस लड़की ने क्या किया, वो इंडिया में सफर करके आई, और यही नहीं सफर करके आई, उससे कहा मैं शादी करनी चाहती हूँ हिंदू से। अब सालिम का फोन आ रहा है, मेरी बच्ची को बचाओ। आप कभी सोचे एक बच्चा चंद दिन के लिए एक गोशे में बैठ गया, क्या हो गया, इंकलाब आ गया। अब अगर ऐसी सिचुएशन में हम हो, आज हैं हम, हमारे बच्चे क्या, ये तो आपको छोटा सा मोबाइल दिखाई दे रहा है, वो छोटा सा मोबाइल नहीं है, एक दुनिया है, और हर तरफ दुकान सजाए हुए हजारों लाखों लोग बैठे हुए हैं। एक बार अंगुली की हरकत हुई, पूरी कायनात में हलचल मच गई। अब ऐसे वक्त में अगर उस बच्चे का हाथ पकड़ने वाला कोई ना हो, क्या होगा, उसका रास्ता दिखाने वाला ना हो तो क्या होगा। इसी वजह से आज के जमाने में उलमा की जिम्मेदारी हर वक्त से ज्यादा हो गई। पहले एक बात सुनने के लिए इज्तिमा में जाना पड़ता था, अब एक बात नहीं हजार बात सुनने के लिए खाली व्हाट्सएप खोल देना है। बस आपको हर बात सुन सकते हैं, अच्छी भी, खराब भी, गुमराही भी, हिदायत भी, सब सुन सकते हैं, है ना, सुन सकते हैं आप। ऐसे में इन बच्चों को तमीज कौन सिखाएंगे, बेटा इस पे बैठे हो तो ये तुम्हें कौन सा लेना है। आप कह देंगे नहीं हम मोबाइल नहीं देंगे, आप ये नहीं कह के बच सकते, बात आप नहीं दोगे ना वो चोरी करके ले लेगा, आप नहीं दोगे वो डाका मारेगा वो ले लेगा, नहीं दोगे तो वो किसी के पास जाकर उधार ले लेगा, आप घर में सख्ती करोगे बाहर जाएगा वो करेगा, आपको बताएगा नहीं। उसका हल ये नहीं है कि आप उसको ना दो, उसका हल ये है कि उसको दो और बताओ बेटा जिस दुनिया में जा रहे हो वो खाली इंसानों की दुनिया नहीं, शैतानों की भी दुनिया है, तो तुम्हें इंसान बनने के लिए इंसानों के रास्ते को इंतखाब करना है, शैतानों से मारना है, शैतानों से अपने आप को बचाना है। आज जो हमारे फकहा है उनकी इस्तेदाद देखो आप, आगर सिस्तानी ने पूरा एक पेज इसी सिलसिले में कि भाई व्हाट्सएप को मैं कैसे यूज करूं, फेसबुक को कैसे यूज करूं, सोशल मीडिया को कैसे यूज करूं, और पूरी उनकी तरफ से रहनुमाई होती है। ठीक है, आज इतना बड़ा गुनाह शायद पहले तसव्वुर नहीं हो सकता था, तो आज तसव्वुर है। एक तस्वीर मैंने एक नामहरम को देखा, पहले क्या देख, महरम को देख, नामहरम को देखा, गुनाह खत्म, भाई मैंने देखा मैंने गुनाह कर लिया, अब खाली मैं नहीं देखूंगा हजार आदमी को दिखाऊंगा। कैसे, एक तस्वीर खींच के आप मोबाइल पे भेज दूंगा, देखो और लोग देख रहे हैं। अच्छा आपको हक है किसी की तस्वीर भेजने का, सवाल है, एक तस्वीर किसी की भी आपको भेजने का हक है, खासतौर से मुझे राजी ना हो, ये कौन बताएगा।
तो जरूरत आज ये है कि हम नई टेक्नोलॉजी को अपने बच्चों के हाथ में दें, लेकिन इस शर्त के साथ कि भैया उसको पहले बताएं कि इसको कैसे सही यूज किया जा सकता है, फिर उनको बताएं कि बेटा एक ऐसी दुनिया में जाना जहां शैतानी शैतान हो, उस दुनिया में जाने के लिए पहले से तुम्हें तैयारी की जरूरत है, जाना है, मजबूरी है तुम्हारी, जाओ, लेकिन उसके लिए तुम्हें तैयार हो बेटा। इसीलिए इमाम सादिक इमाम बाबे अस्सलाम फरमाते हैं, अपने बच्चों को कुरान सही समझा दो, सही पढ़ा दो, सही सिखा दो और अहले बैत का रास्ता सही बता दो। एक बार उनके दिलों में कुरान समझ आ गई, कुरान की समझ आ गई, हदीसों की समझ आ गई, उनको कुरान की तिलावत अच्छी लगने लगी, नमाज पढ़ना उन्हें पसंद आने लगा, अगर ये हो गया ना, बस तुम शैतानों के बीच में भी रखोगे, वो शैतानों को इंसान बना देंगे, फिर तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं। लेकिन पहले उन्हें ये सिखाओ